हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आ चुके हैं फिर से एक न्यू क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपको द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली तो आपको या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको लेकिन इसने बोला है कि आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है आइडेंटिटीज लगा के इसको इवेल्यूशन करना है यानी इसका सोल्यूशन निकालना है ठीक तो फर्स्ट वाले केस से शुरू करते हैं वन जीरो मैंने आपसे क्या कहा था सर आपने हमसे कहा था कि वन का मतलब है हंड्रेड प्लस और 107 का मतलब है 100 प्लस सेवन लिख सकते हैं लिख सकते हैं अब आपके पास एक फार्मूला है क्या है x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है, प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस होता है। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ लगाओ 100 प्लस थ्री और 100 प्लस सेवन हंड्रेड आपका एजा एक्स हो गया थ्री आपका एजा ए हो गया हंड्रेड आपका एजा एक्स हो गया बी आपका एजा ए हो गया एक्स का मतलब है आपके पास हंड्रेड का स्क्वायर क्लियर है क्लियर

ये वन ये वन आटा और ये वन क्लियर है आप एडिशन कर सकते हो इस तरीके से आगे बढ़े चलिए कि आपको यहां जो दोनों तरफ वैल्यू लेते हो ना प्रेक्ट में वो इक्वल होनी चाहिए जैसे आपनेड माइनस फाइव कहा तो यहाँ पे हंड्रेड माइनस फोर का हो क्यों क्योंकि जो फाइव जाएगा, जाएगा फिर वही फॉर्मूला आपके पास कौन सा फॉर्मूला एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स x ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी लगाओ फॉर्मूला हंड्रेड माइनस फाइव और हंड्रेड माइनस फोर अब यहाँ पे प्लस था या माइनस है तो क्या तरीका बताया मैंने आपको इसको इस फाइव को कंप्लीट को आप एज अ ए मानो इस कंप्लीट को आप एज अ बी मानो इसको एक्स x, इसको x पुट करो एक्स का मतलब है हंड्रेड स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब है हंड्रेड और ए और बी का मतलब है माइनस फाइव माइनस फोर प्लस ए बी का मतलब क्या है माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फोर हंड्रेड का स्क्वायर कितना हो गया ये हो गया आगे बढ़ो ऐड करेंगे इसको अपन कितना हो जाएगा देखो ये माइनस माइनस प्लस माइनस का नाइन हो गया बिल्कुल सर प्लस फाइव फोर साइड ट्वेंटी और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ठीक है सर वन डबल जीरो डबल जीरो माइनस का नाइन हंड्रेड हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने में प्लस ट्वेंटी एक बार ठीक एक अब मैंने क्या कहा पहले एडिशन कर लो वन जीरो जीरो टू जीरो में से नाइन हंड्रेड आपको क्या करना है? लेस करना है। कैसे करेंगे आपको लेस करना है तो कितना आ जाएगा वन और नाइन नाइनटी वन जीरो बताओ क्या समझ में नहीं आया आ गया यहाँ तक क्लियर है चलिए आगे बढ़े थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं इसका एक मिनट ध्यान रखना आप, आपको आपको अगर ऐसे में दिक्कत लगना तो आप चेक भी कर सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा आपके पास ठीक है आगे बढ़ो वन जीरो फोर मल्टीप्लाई नाइन्टी सिक्स अब देखो कैसे किया मैंने एक बार तो हंड्रेड प्लस फोर ले लिया एक बार हंड्रेड माइनस फोर ले लिया ये जरूरी है आपको ये डिजिट सेम करनी तभी कर आप फॉर्मुला क्रिएट कर पाओगे आप कहोगे सर नाइनटी सिक्स के लिए नाइन्टी प्लस सिक्स ले लू फिर तो वही मल्टीप्लीकेशन होगी बड़ी बड़ी हंड्रेड की फॉर्म्स में क्या होती है टेन की फॉर्म्स में क्या होती है इजी होता है मल्टीप्लाई सॉल्यूशन देना क्लियर है इसलिए चलिए देखो यहाँ हंड्रेड प्लस फोर किया और यहाँ पे हंड्रेड माइनस फोर किया वो भी लगा सकता हूं पर एक फॉमूला और बन रहा है मेरे पास थोड़ा और इजी क्या ए प्लस बी ए माइनस बी सेम है क्या होता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हाँ सर होता है तो ए का मतलब क्या है हंड्रेड का स्क्वायर बी मतलब क्या है फोर का स्क्वायर और सिंपल हो गया 4, 4, इसमें से माइनस करना आप, आप वैसे भी कर सकते डायरेक्टली ऐसा बता, अभी बताया था ना मैंने आपको कौन सा वाला फॉर्मूला ये बताया था ना आपको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ऐसे भी कर सकते हो तब भी आपके पास वही आंसर बनेगा क्लियर है ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं क्लियर है चलिए आगे बढ़े तो यहाँ माइनस करूंगा मैं सिक्सटीन को तो कितना हो जाएगा मेरे पास फोर और नाइन वन एट और ये हो गया नाइन और नाइन एट फोर तब समझ में आया क्या आएगा आ गया बताओ इसके अंदर क्या दिक्कत लग रही है किसी को भी क्लियर है तो ये हमने तीन पार्ट कंप्लीट कर लिए है क्वेश्चन नंबर टू एंड हो गया हमारा और नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए गुड बाय